वेलकम बैक टू माय सेकंड ब्लॉग गाइस। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, नेक्स्ट ब्लॉग जो होने वाला है वो मोटो ब्लॉग होने वाला है। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के साथ मोटो ब्लॉग करने। और ये मेरा दोस्त जजीत, मेरा क्लासमेट है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो आज हम दोनों जा रहे हैं एक साथ और आप लोग को दिखाने एक जर्नी, और एक जर्नी मोटो ब्लॉग पे आपको मिलने जा रही है। तो जजीत कैसा लग रहा है? देखते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, कैसा लगता है। तो हम लोग ऑन द वे और ये रही मेरी बाइक, अभी हम लोग इसी पर जाने वाले हैं और देखते हैं कैसी होती है अपनी जर्नी। होप फॉर द बेस्ट। और तो हमारी जर्नी यहाँ पर शुरू होती है और आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा, ये है फोर लेन बख्तियारपुर पटना फोर लेन। यहाँ पे मतलब कि ये रास्ता डायरेक्ट बख्तियारपुर को जाता है और ये कुछ ही सालों पहले बना है, हाईवे कह सकते हैं इसे। बहुत ही अच्छा हाईवे, मतलब यहाँ पे गाड़ी चलाने की जो फील होती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है। क्योंकि जो डेस्टिनेशन होने जा रही है वो डेस्टिनेशन होने जा रही है, आप लोगों ने देखा होगा जगदम्बा स्थान। तो जगदम्बा स्थान बेसिकली हमारे नौरौली में होता है, नौरौली जो कि करौता भी कहलाता है, तो बख्तियारपुर में ही होता है। तो हम लोग वहीं पर जा रहे हैं, तो देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। ये देखिए बारिश ने कितना बुरा हाल कर डाला है, यहाँ पर सब कुछ जल जमाव में भाई, सब कुछ जल जमाव में है। और इसी जल जमाव चलते हैं, मिलते मिलते बीच में हम आपसे बात करते हैं और आप राइड का लुत्फ उठाइए। तो यहाँ जो है ना, यहाँ पे अगर आप आइएगा तो आपसे डिटैच फील कीजिएगा, बट जो वाइब आती है ना वो नेक्स्ट लेवल है भाई। मतलब पटना में भी एक ऐसा चीज़ है कि ज़्यादा पटना से दूर नहीं है, बट क्या वो बहुत अच्छी जगह है। इनफैक्ट मेरे रिलेटिव वहाँ पे रहते हैं और वही गांव पे जहाँ पे मैं जाने वाला। तो मोटो व्लॉगिंग है ना, मोटो व्लॉगिंग बहुत ही मतलब कि एक शानदार चीज़ होती है। जैसे आपको कैमरे को इतना फेस नहीं करना पड़ता, आप बिहाइंड द कैमरा अपने थॉट्स बोल सकते हैं और आप सुना सकते हैं, आइए खूबसूरत दृश्य दिखा सकते हैं अपने दोस्तों को। आप लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, आप लोग मेरे साथी हैं, देखिए और लुत्फ उठाते रहिए। खैर मैंने अपने दोस्तों लोगों को बोला कि भाई चल ले मेरे साथ, पर कोई चला नहीं यार, सबके अपने अपने रीजंस हैं। एक मेरा यही दोस्त है जो हमेशा एक फोन पर तैयार रहता है, तो हम दोनों साथ अभी चल रहे हैं। और हाँ, ये मेरी बाइक है जिसपे अभी आप ये लोग राइड देख रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि सिर्फ आपका बख्तियारपुर रास्ता सिर्फ रास्ता नहीं है, मतलब यहाँ पे बहुत कुछ अच्छे अच्छे चीज़ें भी हैं जो रास्ते में आपको मिलेंगी और मैं वो आपको दूसरे दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चल ही रहे हैं, देखिए स्पीडोमीटर अगर दिख रहा हो तो स्पीडोमीटर पे ध्यान ना दें, ध्यान देने वाली चीज़ें नहीं है। जैसा ही आपको दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे है वाटर पार्क, तो इसे कहते हैं छप्पाक वाटर पार्क। और ये यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया वाटर पार्क है भाई, मैं भी नहीं गया, मतलब जाने का तो प्लान था, बड़े दोस्त लोग कहते हैं नहीं भाई नहीं हम नहीं जाएंगे वाटर पार्क, उससे बढ़िया हम नदी में नहा लेंगे, घर में नहा लेंगे। भाई इतना भी क्यों यार, जिंदगी में चलना चाहिए यार। देखिए सर मैं आने टाइम इस पे एक वो आपको बाहर से अच्छा था एक व्यू दे दूंगा, देख रहे हैं। तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए नजर हमेशा रोड पे। मैं हूँ भाइयों आप लोगों के साथ। ऐसे तो यहाँ से इस रास्ते से हम लोग सिर्फ बख्तियारपुर नहीं बल्कि हम लोग राजगीर भी जा सकते हैं, गया भी जा सकते हैं, ये हर जगह से कनेक्टेड होती है। मतलब तो पहले तो ये नहीं था, ये शायद मेरे याद नहीं बना है, मतलब कुछ 8-9 साल या 10 साल में ऊपर नीचे हो सकता हूँ, बट वैसे ही है। पहले तो यहाँ पे सब खेत हुआ करता था, तो ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आया और यहाँ पे फोर लाइन बन गया, और तब से यहाँ पे जो बख्तियारपुर और फतुहा जाने की जो रोड कनेक्टिविटी है बहुत ही बढ़िया हो गई। बट तो मैं ना इसे ट्रिम कर दूंगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा हेक्टिक नहीं हो कि इतना लंबी वीडियो क्यों हो गई। लंबा वीडियो हरियाली कितनी है बिहार में, और लोग भागते हैं कि नहीं बिहार, अरे बिहार बिल्कुल बढ़िया है यार, लिट्टी चोखा में बिहार की खेत खलिहान, बिहार का सीन वो भी फेमस है, कभी बिहार को तो निहार के देखो। आप लोग तो सिर्फ रांची जाएंगे, लोनावला जाएंगे, मनाली जाएंगे, अरे बिहार भी पहले घूम लो तब ना बाहर घूमोगे। आई जस्ट लव इट।
मुझे लगता है इसे ही आप छोड़ने चलोगे ना, 7 सालों लगेंगे। अगर ऑडियो क्वालिटी में कुछ बिंदास है तो सॉरी यार, फर्स्ट मोटो लॉगिंग सेटअप है तो शायद थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट हो जाए। लगता है लगता है लगता है दोस्तों, हम लोग पहुंचने गए हैं जगदम्बा स्थान। तो एकदम कामली बैठी है और हम लोग यहाँ पे पहुंच गए जगदम्बा स्थान, जहाँ पे हमारी डेस्टिनेशन थी। हम लोग अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचते हुए, हाँ यही है जगदम्बा स्थान। आप एंट्रेंस गेट देख ही रहे हैं और आपको यहाँ से तो हम लोग बस एंटर कर रहे हैं। ये गाँव इसको करौता कहते हैं, नौराली। तो देखिए हम लोग यहीं पे कहीं पे गाड़ी लगाते हैं और ब्लॉग शूट करते हैं आगे का। तो यहाँ पर हम लोग अभी जगदम्बा स्थान के पहाड़ पे हैं, ये उसका मेन गेट एंट्रेंस है। तो देख रहे हैं ये बड़ा वाला एंट्रेंस है, आगे मेन एंट्रेंस है उसका, तो ये सेकेंड एंट्रेंस है वहाँ का। तो हम लोग आगे जा रहे हैं, देखते हैं आगे। ऐसे तो आज मंदिर बंद है क्योंकि गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन के खिलाफ मंदिर पुलिस बैरिकेड की वजह से बंद है। तो हम लोग जो देख पा रहे हैं वो बाहर जाएंगे। देखिए ये मंदिर आ गया, तो ये मंदिर अभी भी बंद है। तो लोग देखिए बाहर पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये तालाब और ये जो सीढ़ियाँ और ये जो बीच में माता का मंदिर है जो कि शीशे के फ्रेम में है, जो कि बहुत ही अत्यंत सुंदर लगता है। लेकिन हम लोग अंदर जा नहीं सकते, क्या कर सकते हैं यार, लॉकडाउन जो है। यहाँ पे लोग बाहर पूजा कर रहे हैं, हम लोगों ने भी यहाँ पे पूजा की है। आप देखेंगे और देखते हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ पे पुलिस ने बैरिकेड लगाया हुआ है और हम लोग अंदर जा नहीं सकते हैं क्योंकि वहीं से जाया जाता था मंदिर के अंदर। ये देखिए यहाँ पे पूरी तरह से बंद किया जा चुका है। तो देखते हैं, यहाँ पे दुकान वकान अभी भी खुली हुई है, आदमी अभी भी आ रहे हैं जा रहे हैं पूजा कर रहे हैं। अभी जगदम्बा स्थान पहुंच चुके हैं और यहाँ पे मंदिर के बाहर है। मंदिर के अंदर तो एंट्री बंद है, लेकिन जो पूजा हो रहा है वो बाहर पूजा हो रहा है। तो पूजा कर रहा है यहाँ पर। जब तक ये पूजा कर रहा है तब तक मैं इस मंदिर के बारे में आपको दिखाता हूँ। ऐसे तो अंदर जाना मना है, बट यहाँ पे बहुत अच्छी सी एक तालाब है, अंदर बहुत अच्छा सीनरी है यहाँ पे। बट थोड़ा मोड़ा काम चला है रिपेयर का, बट हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। रिवाज है, बहुत पुराना है। सुने थे बाबा, पहले इधर मंदिर नहीं था, एक पत्थर था, एक कुआ था। पत्थर के मैया हल्की ने अच्छा गिरवा के नीचे अच्छा अब मंदिर तैयार में बना बना बन के जाए। अब शंकर भगवान के मूर्ति एगो बनावल खिन श्याम रामधीर सिंह के दादा बनल खिन दादा अच्छा। और कुइया खन रखिन एगो मास्टर साहेब हल्खिन गाँवे के जहाँ का सुन लिए जहाँ अभी उस एज पे थोड़ी ना है झूठ बोले के ना। जो प्राचीन काल का मंदिर है यहाँ मैया का गवाह या पार सकती हूँ। 2500 बरस है यहाँ। 2500 2500 बरस है। अच्छा 25 वर्ष है यहाँ पर। हाँ बहुत अच्छा। देखा उनका पूरी धारण करना बजारम संसार सारम बजगिन बिहारम सदा बसंत दयाल देवी भवम भवानी सैतम नमामि देव माता चलता तुम्हें तुम्हें बंधु सजता तुम्हें तुम्हें विद्या धर्म तुम्हें तुम्हें सर्व महादेव देव देव सब लोग जगदम्बा माँ मा एक ही जाए हाथ में अच्छा तो या अब क्षमा प्रार्थना कर लो और सर्व मंगलमान ये सब जो देखते हो ना काटा है ना माँ काटा है भक्त के और गलती से दाब पड़ जा है तो कोई भी काटे सपो के दाब पड़ती तो 10वें करते यही तो भाई तो बोले छतवा छोड़ा ना जी। हाँ
मुट्ठी बांधो जन बांधो बड़ी राजा जान महावन मैया जो मा तुहर रक्षा करे आ जल्दी जल्दी माता के दरबार में 11 नारियल पूरी है बेटा अफसर बन के आई है आ खूब नोट दान कर हम सबके यही कहला हूँ चंदन के संग लगा दिए आज भोला बाबा के दिन है आ टीवीओ पर चले भी सदा कल्याण रह तू पढ़ लिख एक सकस रह जय जयकार रह।